अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह है बरकात। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ताला बरकात। मेरे भाई, मैं इस्लामिया इस्लाह ग्रुप के जो सदर ग्रुप में जो बातचीत हुई थी कि बच्चा का फिर से हालात को दिखाया जाए और मालूम कराया जाए कि बच्चा किस हाल पे है, किस तरह का है और कहाँ तक का उसका जख्म जो से सूखा है। तो मैं, आप देख रहे हो कि इस्लामिया इस्लाह ग्रुप का हमारे मुमताज साहब अजहरी नगर कोटात जो इस्लामिया इस्लाह का सदर हैं वो भी आज आए हुए हैं, और अलहाज डॉक्टर सरफराज साहब जो समाज के काम के लिए हमेशा एक पांव पे खड़े रहते हैं और इस बच्चे के लिए जो जद्दोजहद वो कर रहे हैं, हमारे मदरसा का हाफी जी जो भी आए हुए हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब और तमाम यहाँ का पलमरुआ का लोग बैठे हुए हैं। मैं आप तमाम अपने इस्लामिया इस्लाह ग्रुप में नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों ने डोनेशन दे रहे हैं, ला रहे हैं इस बच्चे के लिए, उसी तरह से आप लोग सब मिलजुल कर काम को अंजाम दें ताकि इस बच्चे का काम को अंजाम दिया जा सके। इस बच्चे के हाथ आर्टिफिशियल लगाने के लिए करीबन 10 लाख रुपया का जो डॉक्टर बताया था, लेकिन अलहाज डॉक्टर सरफराज साहब डॉक्टरों से जो बात की और जो चंदा हो रहा है वो तमाम डॉक्टर को दिखलाया गया। उन लोगों ने बताया है कि हम जितना कम से कम पैसे से इस काम को अंजाम दूंगा और इस बच्चे को तैयार करूंगा। तो मैं तमाम अपने इलाका का लोगों से कहना चाहता हूँ, गांवा प्रखंड, सतगांवा प्रखंड, तीसरी प्रखंड, ये राजधनवार प्रखंड, मैं तमाम इलाके का मुसलमानों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इस बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें ताकि इसको मदरसा का जो टीम है इसको खड़ा कर सके और दीन का काम को ये जब भी कहीं भी मदरसा के अंदर ये दुआ भी करेगा पढ़ के इलाके के लोग को। और मेरे भाई, ये पैसा कभी किसी का जाया नहीं जाएगा। आखिरत का दिन जब ये लड़का किसी का अगर किसी का भी कहीं भी अगर दुआ करेगा इलाके के लिए, परवरदिगार इनकी दुआ को कबूल करेंगे। और तमाम अपने इस्लामिया इस्लाह ग्रुप से फिर से कहना चाहता हूँ कि आप सब दुआ करें इस बच्चे के लिए, जल्द से जल्द इसका काम को अंजाम दिया जा सके। ठीक है मेरे भाई, रखता हूँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह है बरकातहू। ठीक है।